बीपीएससी करवाएगा प्रधान शिक्षकों की भर्ती, जारी हुआ गाइडलाइन। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2024 शिक्षा विभाग ने 40,000 से अधिक पद पर बहाली के लिए जारी कर दी है। इसके माध्यम से परीक्षा और अभ्यर्थियों को लेकर विस्तार से सभी जानकारी मिल जाएंगी। इसके मुताबिक हेडमास्टर बहाली की परीक्षा कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार ही दे सकेंगे। हेडमास्टर के पद से बहाली के आधार पर ही बिहार लोक सेवा आयोग नियुक्ति करेगा। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नाम से इस नियमावली को लोग जानेंगे। हेडमास्टर की नियुक्ति सीधी भर्ती के जरिए प्रधान शिक्षक नियमावली के मुताबिक की जाएंगी। बीपीएससी की तरफ से प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। बीपीएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी द्वारा ही परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण भी किया जाएगा। हालांकि ये चीजें बीपीएससी विभाग के परामर्श और सलाह के साथ ही करेगा। आयोग के परामर्श से शिक्षा विभाग की तरफ से परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स भी निर्धारित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से नए नियमावली के मुताबिक आयोजित होगी। आच्छादित शिक्षकों का इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता बिहार राज्य के कृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियमावली 2018 से नहीं होगी। वे शिक्षक पात्रता और रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के जरिए बनेंगे। इसके अलावा जो प्रधान शिक्षक होंगे उनका पद स्थानांतरणीय होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक प्रधान शिक्षक के अनुरोध पर इनकी स्थानांतरण की अनुमति दे सकेंगे, लेकिन इन विकल्प का प्रयोग एक प्रधान शिक्षक अपने पूरे सेवा काल में केवल 2 बार ही कर पाएंगे। इसके अलावा वित्त विभाग के परामर्श से ही प्रधान शिक्षकों के वेतन का निर्धारण होगा। आइए आगे आपको बताते हैं कि प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए क्या पात्रताएं और अनुभव होने जरूरी है। तो वहीं अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे जिनके पास कम से कम 8 वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने का अनुभव होगा। प्रधान शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना नियुक्ति वर्ष के 1 अगस्त से की जाएगी। साथ ही स्थानीय निकायों की तरफ से नियोजित सभी प्रशिक्षित शिक्षक इसमें भाग ले सकेंगे। यदि आप भी प्रधान शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।